अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो, जिंदगी जीने के लिए मिली है। इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छी बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने दो, हजारों आते हैं लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह, जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सुने। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे हाथ की जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत, यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है, इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। बस कहता है, बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलूं तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे जैसा परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन मानिए, जितना भी है वो जल्दी कई गुना हो जाएगा। फरार था ना ये, और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते। श्री कृष्ण से कितना कुछ छोटा, पहले माँ छोटी फिर पिता छोटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छुआ गए, संग साथी छुआ गए, राधा भी छुआ गई, गोकुल छोटा फिर मथुरा छोटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, नहीं छूटा तो वो था देवत्व। मुस्कान और सकारात्मकता, श्री कृष्ण दुखी नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई यह आपको अच्छा लगता है
तो अच्छा वो नहीं अच्छी आप है, क्योंकि उसमें अच्छा ही देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत, अपने मन को समझा, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रही फिर आपके कष्ट पर भूल सोए दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिरगिराने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत, इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पाली। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है, पहला स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका सौभाग्य क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाएं। जय श्री कृष्णा।